इन्होंने प्रयास किया रेवेन्यू ऑफिसर से मिलके कि उनको ज़मीन मिल जाए, क्योंकि मेरी विधानसभा का मामला है, मेरे को मालूम है कि वहाँ ज़मीन की कोई कमी नहीं है। अगर उनको ज़मीन नहीं मिलती है तो मेरे से संपर्क कर ले, इनके डिपार्टमेंट के लोग आपके 19 के 19 को मैं ज़मीन उपलब्ध करवा दूँगा। दूसरा मेरा सप्लीमेंट्री है कि 7 ग्राम पंचायतें हैं, उनमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं है। राज्य सरकार चाहती है कि हर एक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। जिला स्तरीय कमेटी जिसका अध्यक्ष कलेक्टर होता है, तो कृपा करके कि क्या आपके अधिकारी कलेक्टर से, संबंधित कलेक्टर से संपर्क करके उनकी अभिशंसा करेंगे ताकि वहाँ भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सके। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है कि कलेक्टर से कोई प्रस्ताव अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए नहीं दे रहे हो। जिला स्तरीय कमेटी में अगर वो पंचायतें उन मानदंडों को पूरा करती है तो निश्चित रूप से वहाँ उन पंचायतों, 7 पंचायतों में हम ग्राम सेवा सहकारी समिति जैसे ही प्रस्ताव प्राप्त होंगे हम उनको खोल देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बजट ही कम कर दिया है। क्या राज्य सरकार इस वजह से है जो बाकी में नहीं करना चाह रही है? उत्तर देना, बोला उत्तर। मंत्री जी, निश्चित रूप से राज्य सरकार जो है वो कोऑपरेटिव मूवमेंट को और मजबूत करना चाहती है, किसानों को अधिक से बजट कम कर दिया आपने, तो मजबूत कैसे होगा, कमजोर हो गए। तो जो फसली ऋण की बात आप कर रहे हैं उसमें भी हमने 5 लाख नए कृषकों को ऋण देने का सरकार ने इस बजट में घोषणा की है। बजट कम करने की बात आप कैसे कर सकते हैं? 5 लाख नए किसानों को हम ऋण उपलब्ध कराएंगे और किसान सम्मान निधि के माध्यम से हम उनको राजस्थान सरकार से भी उनको किसान सम्मान निधि हम देने का काम करेंगे। श्री ललित मीणा जी, मैं पूछना चाहूँगा कि माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि जहाँ जमीन नहीं है वहाँ सोसाइटी की बिल्डिंग नहीं बन पा रही, उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया, उसके लिए मंत्री जी क्या प्रयास करेंगे ये बता दें। वैसे वहाँ की सोसाइटी जो है प्रयास करके जमीन के लिए करना चाहिए, फिर भी आपने बस्सी के से आने वाले माननीय विधायक और नेता प्रतिपक्ष ने बताया है, तो हम उन समितियों में भी वहाँ की समिति अगर प्रयास करके उनके प्रयास से नहीं हो पा रहा है तो हम 19 समितियों में भी जिनमें उपलब्ध नहीं है और जो 3 सोसाइटी जिनमें ज़मीन उपलब्ध है उनके भी प्रस्ताव मंगवा करके उन पर भी गोदाम बनवाने का हम सरकार भी मदद करें। बिल्कुल श्री लक्ष्मण, श्री